Good afternoon, students. Today we are going to learn Marathi subject. And Marathi subject, we are going to learn a poem. The poem's name is Zaad. Zaad means tree. Now see the poem. Chingi na laula ek zaad. Chingi is a name of a girl. Chingi ek ladki ka naam hai. Chingi ne kya kiya? Ek ped lagaya hai. झाडाला मनाली लवकर वाढ. झाडाला मनाली मतलब झाड को, पेड़ को क्या बोल रही है? लवकर वाढ, जल्दी से जल्दी बड़ा हो जा. तो चिंगी ने एक झाड़ लगाया है, एक ट्री लगाया है, और वो ट्री को बोल रही है जल्दी से तू क्या हो जा, बड़ा हो जा. इन सेकेंड स्टैंड व्हाट शी इज गोइंग टू डू, मतलब उसके लिए वो क्या करेगी, मतलब उसको जल्दी बड़ा हो जाए उसके लिए. तूला रोज गालिन पानी, मतलब रोज उसके अंदर क्या डालेगी, पानी डालेगी. तुझा साथी गाइन गाड़ी, और उसके लिए रोज गाना गाएगी. उसके लिए क्या क्या करने वाली है, पहले तो पानी डालेगी और उसके लिए गाना गाएगी. क्यों गाएगी? क्योंकि पेड़ जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए. गाड़ी एकुन फूल फूलतिल, जब गाना सुनेंगे तो गाना सुनने से वो प्लांट जो है उसके अंदर फूल आ जाएंगे. और फूल पाखरा थवे जुलतिल, फूल पाखरा, फूल पाखरू मीन्स अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के थवे मीन्स अ ग्रुप. फूल पाखरा चे थवे मीन्स बटरफ्लाईज का ग्रुप आएगा और वो फूलों पे आके बैठेगा और झूला झूलेगा. फूल तिल फूल छान छान, और उसके ऊपर जो फूल होंगे वो बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होंगे. छान का मतलब क्या है, ब्यूटीफुल. हसत राहिन पानन पान, और उसके जो लीव्स है वो क्या करेंगे, हंसेंगे. तो फिर से हम लोग देखेंगे, चिंगी ने लावला एक झाड, चिंगी ने एक पेड़, एक ट्री लगाया है. झाडाला मनाली लवकर वाढ, और पेड़ को क्या बोल रही है, जल्दी से तू क्या हो जा, बड़ा हो जा. तूला रोज गालिन पानी, और बड़ा होने के लिए मैं रोज तुझे पानी दूंगी. तुझा साथी गाइन गाणी, और तेरे लिए अच्छे अच्छे गाने गाऊंगी. गाणी एकुन फूल फूलतिल, और गाने सुनने से उस प्लांट में फूल आ जाएंगे. फूल पाखरांच थवे जुलतिल, और उसके ऊपर जो बटरफ्लाईज के ग्रुप्स आएंगे वो उसके ऊपर बैठ के झूला झूलेंगे. फूल तिल फूल छान छान, और उसके ऊपर जो फूल होंगे वो कैसे होंगे, एकदम ब्यूटीफुल रहेंगे. हसत राहिन पानन पान, और उसके जो पान है वो हंसते रहेंगे. नाउ लेट्स रिसाइट द पोयम विद द एक्शन. चलो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये पोयम गाते कैसे हैं एक्शन के साथ में. चिंगी न लावला एक झाड, झाडाला मनाली लवकर वाढ. चिंगी न लावला एक झाड, झाडाला मनाली लवकर वाढ. तुला रोज गालिन पाणी, तुझ्यासाठी गाईन गाणी. तुला रोज गालिन पाणी, तुझ्यासाठी गाईन गाणी. गाणी एकुन फूल फुलती, फुल पाखराच थवे झुलती. गाणी एकुन फूल फुलती, फुल पाखराच थवे झुलती. फुलतील फूल छान छान, हसत राहिल पानन पान. फुलतील फूल छान छान, हसत राहिल पानन पान. तो आपको ये वीडियो देख के समझना है, और इसको, ये पोयम को रोज रिसाइट करना है विद द एक्शन. नाउ वी विल सी द मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, शब्दांश अर्थ. हम लोग मीनिंग देखेंगे इसके, क्या मीनिंग है देखो. फर्स्ट वन इज झाड. झाड मीन्स ट्री. लावणे, लावणे मीन्स टू प्लांट. वाड, वाड मीन्स ग्रोथ. गालने, गालने मीन्स टू गिव और टू फीड, मतलब देना या फिर खिलाना. गाइन, गाइन मतलब विल सिंग.
फुल नेम मीन्स टू ब्लू। फुल पाखराचे थवे, थवे मीन्स ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज। झुलणे, झुलणे मीन्स टू स्विंग। स्विंग का मतलब होता है झूला झूलना, जैसे झूला झूलते ना हम लोग वैसा। फूला, फूला मीन्स फ्लावर्स। पान, पान मीन्स लीव्स। फिर से एक बार देखेंगे, जाड़, जाड़ मीन्स ट्री। लावणे मीन्स टू प्लांट। वाट मीन्स ग्रोथ। गालणे टू गिव और फीड। गाइन मीन्स विल सिंग। फुलणे मीन्स टू ब्लूम। फुल पाखरांचे थवे मीन्स ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज। झुलणे, झुलणे मीन्स टू स्विंग। फुल, फुल मीन्स फ्लावर्स। पान, पान मीन्स लीव्स। नाउ लेट्स सी प्रश्नांची उत्तरे सांगा, क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखेंगे। चिंगी झाडाला काय म्हणाले, चिंगीने झाडाला काय म्हणाले, चिंगीने झाडाला काय म्हणाले की लवकर वाढ। चिंगी रोज कोणाला पाणी घालणार आहे, चिंगी रोज किसको पाणी डालने वाली है। हाँ सही बात है, झाड। गाणी ऐकून काय होणार आहे, गाणी ऐकून, गाने सुन के क्या होगा। तो हम लोग ने वो पोयम की सांझा सुनी है, गाणी ऐकून फूल फुलतील। जब गाने सुनेंगे तो क्या होगा, फूल फूलेंगे, तो गाणी ऐकून फूल फुलणार आहे। झाडावर कोण झुलतील, झाडावर कोण झुलणार आहे, झाडावर फुलपाखराचे थवे झुलतील, झाडावर फुलपाखराचे थवे झुलतील। झाडावर कोण हसणार आहे, झाडावर पान हसणार आहे, पान हसेंगे। लास्ट में हम लोग ने देखा हसत राहील पानन पान, झाडावर पान हसणार आहे। अगेन चिंगी झाडाला काय म्हणाली, चिंगी झाडाला लवकर वाढायला म्हणाली। चिंगी रोज कोणाला पाणी घालणार आहे, चिंगी रोज झाडाला पाणी घालणार आहे। गाणी ऐकून काय होणार आहे, गाणी ऐकून फुलं फुलणार आहे। झाडावर कोण झुलतील, झाडावर फुलपाखराचे थवे झुलतील। झाडावर कोण हसणार आहे, झाडावर पान हसणार आहे। आपण ना अभी हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। मेरे पास कुछ चित्र है, तो आपको चित्र देखना है और पहचानना है कि वो है क्या। सबसे पहले ये चित्र देखिए, व्हाट इज दिस, इट इज बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को मराठी में क्या बोलेंगे, फूल पाखरू। तो फूल पाखरू एक रहेगा तो फूल पाखरू बहुत सारे हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फूल पाखरू। ठीक है, नाउ सी द सेकेंड वन। आप इसको पहचानते हो क्या, आप देखो ऊपर, आपने पहले भी देखा है। हाँ ये झाड़ लगा रही है, कौन लगा रही है, हम लोग ने पोएम में देखा चिंगी ने लावला एक झाड़। तो ये कौन है, चिंगी है, ये कौन है, चिंगी है। नाउ सी दिस, व्हाट इज दिस, यस इट इज अ ट्री। ट्री को हम लोग क्या बोलेंगे, ये झाड़, झाड़, इसका नाम क्या है, झाड़। एंड नाउ व्हाट अबाउट दिस, पहचानती हो इसे, यस इट्स अ पान। पान मीन्स लीव्स, मराठी में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पान। और उसके बाद ये क्या है, यस इट्स फ्लावर्स। फ्लावर्स मीन्स फूल, देखो जरा, हाँ इसका नाम क्या है, फूल है। तो आप लोग ने देखा अलग अलग नाम से, फिर से हम लोग करेंगे, दिस इज फुलपाखरा, चिंगी, झाड़, पान,
रिसाइड करके एक्शन के साथ भी बताया है. तो यू हैव टू रिसाइड दिस पोएम एट होम एंड राइट इट फॉर वन और टू टाइम्स एट होम एंड यू जस्ट लर्न इट आउट. ओके, इन होमवर्क आई विल गिव यू वर्कशीट आफ्टर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.